नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नोलॉजी विद विवेक, जहां हम मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए काफ़ी सारे वीडियोस लेकर आते रहते हैं। आइए दोस्तों, आज का जो वीडियो लेकर आए हैं आपको प्रोग्रामिंग में सिखाते हैं। सिंपल इंटरेस्ट आप सभी जानते होंगे, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है और ये जो साधारण ब्याज है इसको मैथमेटिक्स में निकालना बड़ा आसान होता है। हम इसकी कोडिंग करेंगे आज और सी लैंग्वेज में कोड की मदद से जानेंगे कि इसको मशीन का फॉर्म कैसे दिया जाता है और कैसे आप इसको एक मशीन के रूप में बना सकते हैं, और जो भी जितने भी बार आपको सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना हो उसको आप आसानी से कर सकते हैं। ये हमारी वेबसाइट पर दोस्तों प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड सिंपल इंटरेस्ट इन सी लैंग्वेज। हमने यहाँ से इस कोड को कॉपी कर लिया है और कॉपी करने के बाद हम आपको लेकर चलते हैं हमारे आईडी पर। ये कोड ब्लॉक में आप देख रहे होंगे। अब मैं आपको यहाँ पर इसको समझा देता हूँ दोस्तों, और अगर आप बिगनर हैं तो आप इसको लिखने का काम करेंगे। देखिए, जो सिंपल इंटरेस्ट होता है सभी जानते हैं, उसमें हमें प्रिंसिपल अमाउंट की ज़रूरत होती है, रेट की ज़रूरत होती है, टाइम की ज़रूरत होती है, और एक जो वेरिएबल लिया जाएगा SI नाम का मैंने ले लिया है, उसको सिंपल इंटरेस्ट कह रहे हैं हम। और ये सभी का टाइप हमने लिया है फ्लोट। दोस्तों ये मैंने आपको कल ही बताया था, और ये जो फ्लोट होता है इसको सिर्फ इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि आपका आंसर जो है दशमलव में भी आ सकता है, आपका सिंपल इंटरेस्ट डेसिमल पॉइंट में भी आ सकता है, इसलिए हमने ये सभी वैल्यूज़ को फ्लोट में ले लिया है। मान लीजिए किसी को 101.75 इस तरीके के प्रिंसिपल अमाउंट को 5.3 रेट के साथ अगर कैलकुलेट करना हो तो हमें फ्लोट की ज़रूरत पड़ती है। हमने सबसे पहले प्रिंट कराएंगे हम प्रिंसिपल अमाउंट, उसको अमाउंट में स्टोर कर लेंगे, रेट स्टोर कराएंगे, रेट ली जाएगी, इंटरेस्ट रेट रेट के अंदर आ जाएगी, पीरियड ऑफ टाइम दोस्तों कितने साल कितने दिन कितने महीने ये टाइम के अंदर आ जाएंगे। ये सिंपल इंटरेस्ट का जगत जाहिर फार्मूला है, इसको हम क्योंकि वेरिएबल अमाउंट लिया है, आप प्रिंसिपल भी ले सकते हैं क्योंकि रटा हुआ होता है स्टूडेंट्स को P(R)(T)/100, तो अमाउंट इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन 100 कर दिया गया है। और प्रिंट एफ में आप देखेंगे हमने ये लाइन छोड़कर सिंपल इंटरेस्ट इस परसेंटेज एफ लगाया जाता है फ्लोट वैल्यू को दर्शाने के लिए, और SI को यहाँ पर दिया जाएगा क्योंकि इस वेरिएबल के अंदर ही ये सारी कैलकुलेशन होकर स्टोर होकर आ जाएगी। रिटर्न कर दिया है 0। हम आपको इसको रन करा के दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, अब ध्यान से मैं आपको इसके ही बराबर लगा देता हूँ। सबसे पहले प्रिंसिपल अमाउंट, हमारे पाँचवें नंबर की लाइन चलेगी, प्रिंसिपल अमाउंट मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 1000, एंटर किया, रेट ऑफ इंटरेस्ट मांग रहा है, मान लीजिए मैं यहाँ पर दे देता हूँ 5, समय मांग रहा है तो मान लीजिए मैं इसको दे देता हूँ 2 साल, और मैं जैसे ही एंटर करूँगा तो ये तीनों वैल्यू 1000 यहाँ आ जाएगी। इसके बाद आप देखेंगे ये जो 5 है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा, तो जब इसका इंटू होगा दोस्तों तो ये जो है आप इंटू करेंगे इसको, आप 5 × 2 = 10, इसके साथ करेंगे 10000 अपॉन 10 से कर देंगे 100 से आप इसको डिवाइड कर देंगे दोस्तों, तो आपको जो है रिज़ल्ट मिलेगा 100 रुपये जो है आपको सिंपल इंटरेस्ट देखने के लिए मिलेगा। और ये डॉट के बाद जो 0 आ रही हैं दोस्तों क्योंकि ये फ्लोट वैल्यू फ्लोट डेटा टाइप यहाँ पर लिया गया है। मैं एक बार और रन करा के आपको दिखा देता हूँ इस प्रोग्राम को। इस बार हम अमाउंट को चेंज कर लेते हैं, मान लीजिए मैं यहाँ पर 2000 डाल देता हूँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट मैं 10 डाल रहा हूँ, और मैंने 5 साल डाल दिया है समय, तो दोस्तों आप देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट आया 1000 रुपये, तो 1000 रुपये इस अमाउंट पे हमें 5 साल बाद 10 की ब्याज दर से मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये बड़ा आसान सा एक प्रोग्राम था सिंपल इंटरेस्ट का बनाने के लिए। हम कंपाउंड इंटरेस्ट का भी बनाएंगे आने वाली वीडियो में। आप अभी इसको लिखिए, लिखने के बाद आप इसको अपने मोबाइल एप्लीकेशन पर जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर इस प्रोग्राम को रन कीजिए, इसकी एक लाइन को समझिए। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए जो भी सी लैंग्वेज को सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं शुरुआती लेवल से। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। थैंक यू।